सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। भाइयों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि मेरे कई भाई बंधु ऐसे हैं जिनको वायरल के बारे में नॉलेज नहीं होगा और एंटीबायोटिक के बारे में नॉलेज नहीं होगा। क्या हम फार्म पे यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक, वायरल में क्या एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। तो वीडियो को देखते रहें लास्ट तक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं की वीडियो को तो लाइक कर लें। दोस्तों, जैसे कि आज मैं अपने फार्म पर आया और मैंने देखा आज हमारे बर्ड्स में थोड़ा खिच-खिच की आवाज़ आने लगी है। तो जैसे ही खिच-खिच की आवाज़ आने लगी, हमने अपने फार्म पर कुछ मेडिसिंस यूज़ करी, जिसके बारे में आपको ब्रीफली बताऊँगा अभी थोड़ी देर बाद। और जैसे ही मुझे लगा कि इसमें खिच-खिच आने लगी है, तो हमने सबसे पहले इस पर मल्टी इम्यून और इंटरम्यून दे दी, जो इसके इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते रहेगा और इसको अभी वायरल से इतना कोई ख़तरा नहीं होगा। दोस्तों, वायरल के टाइम पर आप अपने फार्म पर खास ध्यान रखें, पर्दा कोशिश करें रात के टाइम पर, ठंड के टाइम पर बंद कर दें, और आपका बच्चा दाना पानी प्रॉपर जितना रोज़ उठाता है उतना ही उठाना चाहिए, दाना पानी बच्चे ने नहीं छोड़ना चाहिए, और प्रॉपर आप अपने फार्म पर एंटीबायोटिक दवाइयाँ चलाते रहें। एंटीबायोटिक हम तो अपने फार्म पर सिर्फ एक ही एजिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोल वगैरह ही चलाते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो लीवोफ्लॉक्सासिन चला लेते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। और दोस्तों, एक एंटीबायोटिक जो अपने आप अपने फार्म पर चलानी है वो मैंडेटरी है, चाहे आप उसको कोई भी अपने फार्म पर यूज़ कर सकते हैं। जो वायरल के लिए हम ह्यूमन यूज़ करते हैं, बेसिकली हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम तो अपने फार्म पर एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, जो मैं आपको अपनी वीडियो पर दिखाऊँगा। दोस्तों, वायरल के टाइम पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको पेशेंस से काम लेना है। अगर आप घबराए और आपने दवाइयाँ इधर उधर थोड़ा बहुत अनसर्टेन दवाइयाँ चला दी, तो उससे फार्म पे मॉर्टेलिटी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और आपका वायरल बच्चे पर संभल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपको सीआरडी तक की दिक्कत को झेलने की हो सकती है प्रॉब्लम। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैं अपने फार्म पे जो मैंने दवाइयाँ मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले इंटरम्यून मल्टीम्यून का पानी चलाया है, इसके बाद मैं अपने फार्म पर सिर्फ कफक्योर का पानी, एक सिंपल कफक्योर का पानी चलाऊँगा, और शाम के टाइम पर एंटीबायोटिक के साथ लीवर किडनी दो चीज़ें चलाऊंगा। पर डे मेरी 3-4 दिन की रूटीन रहेगा, मैं सिर्फ यही दवाइयाँ आपको दिखाऊंगा फार्म पे। दोस्तों, जो वायरल होता है, वायरल आने के जो चांसेस रहते हैं, जो हमारा ख़राब मैनेजमेंट होता है थोड़ा बहुत, इसका भी इस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है फार्म पर, आप किस टाइप से बच्चे को रख रहे हैं और किस टाइप से आपकी खाद है, गीली तो नहीं है, पर डे आपकी खाद में गुड़ाई हो रही है, और बुरादा बिल्कुल बारीक है नहीं है, बुरादा कैसा है, किस टाइप का, काफ़ी धूल उड़ने वाला बुरादा फार्म पे नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनके फार्म पे काफ़ी धूल उड़ने वाला बुरादा होता है, जिससे कि बच्चे के नाक पे वो बुरादा चले जाता है, और इस टाइप के वायरल जैसी प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा और सिंपली आपको बताऊँगा कि वायरल के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, और सिर्फ आपको मेडिसिंस बताऊँगा कि आपको कैसे यूज़ करनी है। जो टैबलेट होंगी वो बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ करनी होंगी अपने फार्म पे, और जो लिक्विड दवाइयाँ होंगी जैसे कि लीवर किडनी और कफ क्योर, वो आप उसको 10-20 ml या फिर 10-25 ml पर 100 बर्ड्स के हिसाब से आप उसको अपने फार्म पर यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा फार्म पर दवाई ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ फार्म पर हानिकारक भी होती हैं। और कोशिश करें सिर्फ एक या दो एंटीबायोटिक अपने फार्म पर वायरल के टाइम पर यूज़ करें, ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ ना करें, और सब्री से। और दोस्तों, एक चीज़ का खास ध्यान रखें, अगर आपके फार्म पे आप स्प्रे कर सकते हैं और मौसम अगर अच्छा हो, अगर बारिश के टाइम पे आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बारिश ना हो तो आप अपने फार्म पे स्प्रे भी कर सकते हैं। जो हम अपने फार्म पे स्प्रे यूज़ करते हैं, मैं उसको आपको नाम बता देता हूँ, हम विरकोनेस का स्प्रे भी यूज़ करते हैं जो वायरल के लिए काम आता है, हम क्लोरामाइन टी का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि अपने फार्म पर हम करवाते रहते हैं, बेसिकली वायरल हो या ना हो, लेकिन जो आप वायरल के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और जो हम और आगे को भी यूज़ कर सकते हैं, मैं उसका नाम आपको बता दिया हूँ, चाहे तो आप अपने फार्म पे यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी बाय चांस आपके फार्म पे ऐसी दिक्कत आ गई तो मैं आपको मेडिसिन सीधा चलता हूँ और आपको मेडिसिन दिखाता हूँ, और आपको मैं वीडियो लगातार 3-4 दिन तक इस फार्म की वीडियो आपको दिखाता रहूँगा, मेरे फार्म पर वायरल की जो मैंने दवाइयाँ चलाई उससे मुझे कितना फ़र्क पड़ा और मेरे बच्चे में मॉर्टेलिटी का कैसा इफ़ेक्ट है। दोस्तों, ये है एजिथ्रोमाइसिन जो मैं अभी आपको बताया अपने फार्म पे एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ अपने फार्म पे। ये रहा इंटरम्यून और ये रहा मल्टीम्यून, जो हम अपने फार्म पे सुबह सुबह सबसे पहले ये दवाई पिलाते हैं बच्चे में। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, बच्चे में आवाज़ है, खिच-खिच की आवाज़ है, और बच्चा लगभग दाना पानी अपना
खाता जा रहा है, जैसे दाने पे भी है बच्चा लगा हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी फीडरों पे है और काफ़ी ड्रिंकरों पे भी बच्चा चिपका हुआ है, पानी भी पी रहा है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें और कोशिश करें अपने फार्म पे जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर से बेहतर बनाएं, जिससे कि आपके फार्म पे ये दिक्कतें ना आए। इन दिक्कतों पे आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है और जल्दबाजी ना करें किसी चीज़ के लिए भी। कोई भी कदम उठाएं उसको सोच समझ के उठाएं, एंटीबायोटिक ज़बरदस्ती ना लगाएं अपने फार्म पे, और दवाई ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4-5 दिन ही यूज़ करें, 3 दिन यूज़ करें, अगर रिजल्ट ना मिले 5 दिन यूज़ करें, इससे ज़्यादा अपने फार्म पे दवाई यूज़ ना करें। फिर सादे पानी पे बच्चे को छोड़ दें। एंटीबायोटिक का भी बच्चे पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बच्चे को सुखा देता है, तो इस चीज़ों का खास ध्यान रखें दोस्तों। अभी मैं अपने दूसरे फार्म की ओर चलता हूँ और वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। धन्यवाद।